greetings, warm, warm wishes from my side to you in this winter season. I hope you are all good and safe from the diseases, safe from the winter chilling. You can say it is very chilling outside, right? In this video, we'll be starting with chapter number 26, that is story writing, a very interesting and important thing in, again, when you are making your composition. Story writing can be fun too. Yes, I completely agree, it is a fun. You can write your, or you can compose your own writings into paragraph, into stories, essay. How we'll be doing, let's see. To write a good story, you must have a whole plot clear in your mind and the main points arranged in their proper order. So what is plot? I will explain you with the charts. So just we can just read this paragraph first and let's see what it is written. Some important features of a good story are, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि क्या प्लॉट है. सेम ये लिखा है, इंश्योर दैट यू हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ द स्टोरी. सो इन शॉर्ट इट इज़ कॉल्ड प्लॉट. आपको प्लॉट क्लियर होना चाहिए, आपको स्टोरी या आइडिया जो आपका है वो क्लियर होना चाहिए कि आप किस बारे में लिखना चाहते हो. सेकेंड, द ऑर्डर ऑफ द पॉइंट्स गिवन इन द आउटलाइन शुड बी फॉलोड. सो नाउ वट दे मीन इज बेसिकली कि आप जो भी अपनी स्टोरी का ऑर्डर रखना चाहते हो, एक तरीका रखना चाहते हो, वो एक सही होना चाहिए. ओके, लेट्स सी हाउ. मेक इट इंटरेस्टिंग बाय इंट्रोड्यूसिंग डायलॉग्स और कॉन्वर्जेशन. आप इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हो स्टोरी को, कि डायलॉग्स ऐड कर सकते हो या किसी की कॉन्वर्जेशन दिखा सकते हो. मीन्स एज आप नरेटर बन के भी लिख सकते हो स्टोरी, प्लस आप एक यू कैन से एक इमेजिनेबल स्टोरी बना सकते हो जहाँ पे आप ये लिखोगे कि किन दो लोगों में, दो तीन लोगों में बात हो रही थी. द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी शुड बी इंटरेस्टिंग एंड नेचुरल. जब आप स्टोरी का एंड करोगे वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए. नेचुरल मीन्स ऐसा नहीं लगना चाहिए कि व्हाट एंड इट इज़ रिलेट. आपका एंड हमेशा स्टोरी से रिलेटेड होना चाहिए. द एंडिंग ऑफ द स्टोरी शुड हैव अ मैसेज और अ मॉरल ईदर एक्सप्लेट और इम्प्लाइड. जो स्टोरी की एंडिंग है वो या तो एक मैसेज देनी चाहिए, मैसेज कैसा कुछ समझ में आना चाहिए उसमें से, या मॉरल आना चाहिए. ओके, कि जो कि अपन समझ भी सकते हैं और इम्प्लाई भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ अ प्लॉट. प्लॉट इज़ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द स्टोरी. कि कैसे आप एक्शन को इंट्रोड्यूस करोगे, वो जो एक्शन है वो कैसे स्टोरी में मूव करेगा. नेक्स्ट इज क्लाइमैक्स. क्लाइमैक्स इज कि व्हाट विल हैपन. ओके, वी जनरली लिसन दिस वर्ड इन मूवीज कि इन दैट इस टाइम पे क्या चीज़ ऐसी होती है जो कि और सस्पेंस या इंटरेस्टिंग बनाती है स्टोरी को. नेक्स्ट इज फॉलोइंग एक्शन. नेक्स्ट इज रिसोल्यूशन, और यू कैन से द एंड ऑफ द स्टोरी. सो लेट्स रीड इन ब्रीफ कि व्हाट, हाउ डू वी अंडरस्टैंड अ प्लॉट. प्लॉट के लिए आपको होना चाहिए प्रोवाइड नेसेसरी डिटेल अबाउट द कैरेक्टर एंड सेटिंग. आप यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको ये पता होना चाहिए कि करेक्टर्स को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, आप उसके बारे में कैसे बात करोगे, कैसे उन सारी वर्ड्स को रिवील करोगे. नेक्स्ट है राइजिंग एक्शन. द पार्ट और द स्टोरी दैट डेवलप्स द प्रॉब्लम और द कॉन्फ्लिक्ट थ्रू द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट बिल्ड्स इंटरेस्ट. यहाँ पे आप जो करेक्टर्स दिखा रहे हो, स्टोरी बता रहे हो, यहाँ पे कैसे कोई प्रॉब्लम है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर वो स्टोरी कैसे चलेगी, यहाँ पे आप पूरी वो बात बताओगे. नेक्स्ट इज क्लाइमैक्स. द टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी वेयर द प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट रीचेज इट्स पीक. कोई भी अगर प्रॉब्लम है या कोई सिचुएशन है वो ऑलमोस्ट पीक पे आ चुके, मींस या तो उसका कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए या तो वो सॉल्व होनी चाहिए. नेक्स्ट है फॉलोइंग एक्शन. द इवेंट आफ्टर द क्लाइमैक्स और टर्निंग पॉइंट दैट लीड्स टू द सोल्यूशन. कि कैसे उस क्लाइमैक्स से अपन सोल्यूशन पे आ पा रहे हैं वो आप स्टोरी में लिखोगे.
द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी दैट रिवील्स द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम या कॉन्फ्लिक्ट या फिर द एक्शन हैज़ कम टू एन एंड, मीन्स जो स्टोरी में कोई एक्शन हो रहा था वो एंड पे आ गया एंड एट द एंड वी गॉट अ मैसेज, वी कैन गेट अ मॉरल आउट ऑफ इट. ओके, नेक्स्ट इज आपको ये डिसाइड करना है हु इज टेलिंग द स्टोरी, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. सो वट इज़ फर्स्ट पर्सन? टोल्ड बाय अ करेक्टर इन द स्टोरी, कोई स्टोरी में ही करेक्टर है वो स्टोरी आपकी बता रहा हो, या तो ऐसा होता है. नेक्स्ट है नरेटर विल एड्रेस द रीडर, मीन्स यू आर द नरेटर, आप लोगों को बताओगे कि जो आपकी स्टोरी में करेक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं. नेक्स्ट है थर्ड पर्सन, टोल्ड बाय अ नरेटर नॉट इन अ स्टोरी. ओके, मीन्स यहाँ पे स्टोरी के वे में ना बताते हुए, आज मैंने एक स्टोरी लिखी है, आपने वो स्टोरी पढ़ी, पर वो स्टोरी जब आप किसी और को बताओगे सो दैट इज़ कॉल्ड थर्ड पर्सन. तो जब भी आप ये स्टोरी को आप डिसाइड करोगे कि कौन होगा स्टोरी का रीडर, ठीक है, या कौन बताएगा स्टोरी, तब आपको ये कीवर्ड्स यूज़ करने. अगर आप बताओगे तो आप लिखोगे आई मी वी, मीन्स करेक्टर. ओके, नेक्स्ट आप खुद बता रहे हो तो यू योर योर्स आएगा, एंड आप अगर थर्ड पर्सन हो तो ही शी एंड या फिर कोई भी नेम जो कि स्टोरी बता रहा है. अब आप स्टोरी में ओपिनियंस डाल सकते हो, कैसे, आई लाइक, आई प्रिफर, आई थिंक, आई बिलीव, मीन्स व्हाट आर योर ओपिनियन ऑन द स्टोरी इवन इन बिटवीन द स्टोरी और द करेक्टर्स ओपिनियन इन द स्टोरी. यू कैन यूज दीज वर्ड इफ यू वॉन्ट टू शो द ओपिनियन ऑफ योर सेल्फ और ऑफ करेक्टर्स. सो स्टूडेंट जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर द साउंड विच आर कमिंग बैक ऑफ दिस वीडियो. सो आई रिक्वेस्ट यू टू कीप योर फोकस ऑन माई वॉइस ऑन वट वी आर लर्निंग. नेक्स्ट इज इंटरनल स्टोरी. इंटरनल स्टोरी इज द ऑथर्स थॉट, फीलिंग एंड रिएक्शन. यू कैन से इमेजनरी, यहाँ पे आप खुद क्या फील कर रहे हो, खुद के थॉट्स क्या है या रिएक्शन क्या है किसी चीज़ पे, वो भी आप स्टोरी फॉर्म में लिख सकते हो. बाय फॉर दिस यू कैन यूज दीज वर्ड्स फॉर रेफरेंस. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और इफ़ यू वांट आई कैन जस्ट मैसेज मी, आई कैन सेंड यू दीज फोटोज ऑन पर्सनली और ऑन ग्रुप ऑल्सो. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल, आपको स्टोरी आपकी बुक में कैसे दिए हुए हैं. सो हेयर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पे आपको दोनों फॉर्म में दिए, फिल इन द ब्लैंक फॉर्म में भी दिया है, या फिर अगर आपको खुद अपनी कॉम्पोजिशन लिखनी है आप इनको रीड करके ईजिली बना सकते हो. जैसे आपकी बुक में ऑलरेडी लिखा है कि आपको जो आउटलाइंस दी हुई हैं उनको यूज़ करते हुए आप एक स्टोरी बहुत अच्छी तरीके से कंपोज कर सकते हो. ओके, सो लेट्स सी बाय दिस फर्स्ट एग्जाम्पल. ओके, सो हेयर इट इज़ फर्स्ट एग्जाम्पल. यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में भी आ सकती हैं, या फिर आपको मैं क्वेश्चन लिख सकती हूँ और आपको पूरे इस वे में यहाँ पे स्टोरी लिखनी, कंप्लीट स्टोरी. सो लेट्स सी, द फॉक्स इनवाइट्स अ क्रेन टू द डिनर डैश सर्व्स अ सूप इन अ फ्लैट डिश. द क्रेन गोज अवे हंग्री, इट इनवाइट्स द फॉक्स, serves the food in the jar with a long narrow neck dash the fox go away hungry. So one more thing students, यहाँ पे fill in the blanks है, इसका मतलब ये नहीं आप एक word या दो word लिखोगे, यहाँ पे आप phrases use करोगे. okay, you can use small sentences, even you can use pronouns and conjunctions to complete the sense to give a meaningful story. So here it is, आई जस्ट क्विकली रीड कि जहाँ पे डैश था वहाँ पे उन्होंने क्या ऐड करा है. ओके, सो यहाँ पे उन्होंने क्या, एक और अच्छी चीज़ है, यहाँ पे जैसे इधर डैश दिया हुआ है एंड स्टार्टिंग में डैश नहीं दिया, बट यहाँ पे उन्होंने स्टार्टिंग में ये लाइन ऐड कर दी. कैसे, देयर लिव्ड अ फॉक्स एंड द क्रेन इन द जंगल, बोथ ऑफ देम वर फास्ट फ्रेंड. तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है करेक्टर्स का,
नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वन डे द फॉक्स इन्वाइटेड द क्रेन टू द डिनर. द फॉक्स ऑफर्ड हिज फ्रेंड सम सूप इन अ फ्लैट डिश. द क्रेन हैड अ लॉन्ग बीक सो ही कुडंट टेक द सूप. द क्रेन क्रेन फेल्ट इंसल्टेड सो ही वॉन्टेड टू टीच अ फॉक्स अ लेसन. ही टू इन्वाइट द फॉक्स टू द डिनर. ही सर्व्ड हिम सेम टेस्टी फूड इन लॉन्ग नेक जार. द फॉक्स डिड नॉट ईट एनीथिंग एज हिज हेड कुड नॉट गो इन द नैरो नेक ऑफ द जार. द क्रेन एट टू हिज हार्ट्स कंटेंट बट द फॉक्स वेंट अवे हंग्री. द फॉक्स फेल अशेम्ड ऑफ हिज फुलिश डीड. मॉरल एज यू शो, यहाँ पे उन्होंने स्टोरी के एंड में मॉरल दिया है, एज यू सो 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 शैल यू रीप. मीन्स हिंदी में आप जो बोओगे वही आप काटोगे या वही आप उगाओगे. तो इन दिस स्टोरी फॉक्स ने पहले इंसल्ट करी है क्रेन की. क्रेन इज अ बर्ड एंड क्रेन ने उसको लेसन बताने के लिए उसको नेक्स्ट टाइम उसको भी डिनर पे बुलाया या खाने पे बुलाया एंड उसको एक लेसन बताया कैसे कि जहाँ फॉक्स को एक बोल में खाना खाना आता है वहाँ पे एक लॉन्ग शेप जार में खाना डाल दिया एंड क्रेन ने बोला अब खा लो. तो बाय दिस फॉक्स फेल्ट वेरी अशेम्ड, उसको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हुई अपनी फुलिशनेस के लिए. क्या फुलिशनेस? कि पहले उसने क्रेन को एक बोल में दिया था जहाँ क्रेन की जो बीक है इट इज़ ह्यूज. ठीक है, क्रेन की जो बीक होती है वो काफ़ी बड़ी होती है तो वो अपनी टंग से लिक करके नहीं खा सकते. दे सिप और दे टेक फ्रॉम द बीक. ओके, सो अनदर एग्जाम्पल इज दिस. ओके, अ क्लेवर क्रो. सो दीज स्टोरीज आर वेरी पॉपुलर वन. यू कैन रीड फ्रॉम योर बुक. देर आर अराउंड 7-8 स्टोरीज. यू कैन रीड ऑल ऑफ देम इन एग्जाम और वेदर इट्स कमिंग टू टेस्ट. मैं आपको कोई भी इनमें से एक स्टोरी दे सकती हूँ. एंड इफ़ यू फाइंड एनी थिंग विच यू आर नॉट गेटिंग टू अंडरस्टैंड यू कैन ऑल कम टू मी. आई विल एक्सप्लेन हाउ वी कैन compose a story. You can take example from this. You can take example of the charts which I have shown you. You can take help from internet. So by this we end this video here. I hope you enjoyed it. Thank you so much for listening.